मेलबर्न के ग्राउंड पे तो उतने छक्के नहीं लगते क्योंकि बाउंड्रीज बहुत दूर है। T20 में भी ऐसे रहेगा? आई थिंक आप देखो भारत ने आई थिंक 4 T20 गेम्स खेले हैं मेलबर्न में एंड 2 जीते एक हारे और एक अबैंडन था। सो जब हम देखते हैं दैट भारत को थोड़ा एक्सपीरियंस है मेलबर्न पिच को कैसे खेलना, एंगल्स यू नो सही फील्डर यू नो राइट पोजिशन में डालना, बट पाकिस्तान ने एक ही खेला है सो एक्सपीरियंस कम है पाकिस्तान का भी। सुदीप जी, विराट की बात हो गई, सूर्य कुमार की, सबकी बात हो गई, मैं अपनी पूरी टीम के कुछ खिलाड़ियों के नाम, कुछ बॉलर और बैट्समैन के लिए एक बिल्कुल नए टाइप के गाने पे सुनाता हूँ आपको। हाँ, उनके पास शाहीन है, जैसे दिवाली की बात की ना, शाहीन तो उनकी मिसाइल है कोई। अपने पास पृथ्वी? अरे नहीं, हमारी दिवाली है मुर्गा छाप बम से ही काम चला लेंगे। सुनना के गेंद हुई तंदूरी जू, तंदूरी गेंद बॉल तंदूरी के बॉल हुई तंदूरी जू, वाइट से कर दी भूरी यू, सबर करें कुट कुट के बॉलर की मजबूरी यू। अरे यादव जी, यादव जी ठोके तो फिर कोई गेंद को क्या रोके, यादव जी, यादव जी ठोके तो फिर कोई गेंद को क्या रोके, जब शॉट लगाइया वे खुल जाए सिलाइया वे। जब शॉट लगाइया वे खुल जाए सिलाइया वे, तो एम्पायर गावे चिटियां कलाइया। एम्पायर जी गावे राहुल शर्मा कोहली जी, यानी पूरी टोली जी, अच्छा। पाकिस्तानी टीम देख के दिल ही दिल में बोली जी, रब्बा बचा ले ना पंड्या कहीं हमें, रब्बा बचा ले, टाइमिंग ठीक रखो, के रब्बा बचा ले ना पंड्या कहीं हमें फिर से ना ठोके, रब्बा बचा ले ना पंड्या कहीं हमको फिर से ना ठोके, सरयू ना हिलाइया वे। सर यू ना हिलाइया वे और मूड में आइया वे, पाकिस्तानी कह रहे हैं, सर यू ना हिलाइया वे और मूड में आइया वे, वो ठोके हम गावे। हसन साहब बिल्कुल जी, हसन भाई जी बिल्कुल, देखें एक प्रायोरिटी जो है वो चल रही है, शेर शायरी तो ये भी करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, मगर ऑन द फील्ड जब आते हैं एज यूजल तो क्रिकेट बैट और बॉल होती है जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस से खेलना पड़ता है, मगर ये मॉडर्न क्रिकेट है। अभी हमने बताया कि शामी देखे हैं किस तरह वापस कम बैक करके आया इंडियन बॉलर्स, ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट, वापस उन्होंने फिर जो टिप्स भी लिए और शाइन से जैसे बॉलर्स भी आपसे आए वो भी उनको टिप्स दे रहे हैं और हरी सऊ भी उनको टिप्स दे रहे हैं, इट मीन्स के दोनों के नेगोशिएट अच्छे हैं एज ए क्रिकेटर, मगर ऑन द फील्ड जब जाते हैं तो जाहिर बात है वो जो आंकड़ा है वो नजर आ रहा है अभी भी, और स्टैट्स जो हैं वो क्रिकेट के बड़े अच्छे हैं पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, मगर मॉडर्न क्रिकेट में दोबारा हमारा फाइट बैक जो है वो क्रिकेट से है और हाँ आई होप कि अच्छा मैच होगा, अभी तो 80% मेरे ख्याल में फोरकास्ट बता रहे हैं, मगर जब भी मैच होता है पाकिस्तान का और इंडिया का हाई वोल्टेज मैच होता है, मैच बहुत हाई वोल्टेज होता है किशोर जी, और इस तरह इन्होंने बात किया कि यहाँ से अगर शाहीन शाह आफरीदी कम बैक करें तो वहां से शामी को भी इंडक्ट किया गया, आई थिंक इसकी वजह से दोनों तरफ की बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी इंप्रूव होगा कहीं ना कहीं। जी हाँ, मोहम्मद शमी की वापसी अपने आप में टीम को काफ़ी एक बैलेंस भी दे रही है, मजबूती भी दे रही है, और उनका डेथ ओवर्स में अच्छा परफॉर्म करना, संदीप जी ये हमेशा सवाल रहता था कि डेथ ओवर्स में हम किस मोहम्मद शमी के साथ कैसे परफॉर्म कैसे कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो एक कॉन्फिडेंस देगा टीम को। या बिल्कुल कॉन्फिडेंस देगा, और उसके साथ भुवनेश्वर कुमार भी है, भुवनेश्वर है, और खास करके अभी ये जो ट्रायल मैचेस हुए उसमें जो प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिला शमी की तरफ से, तो ज़रूर कहूँगा क्योंकि बुमराह की जगह उन्होंने ली है, प्रेशर तो बहुत होगा लेकिन अनुभव शमी के पास ज़्यादा है और उस अनुभव का उपयोग करना शमी को इस T20 वर्ल्ड कप में करना ही होगा। मैं एक विनंती करता हूँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कि हमारे अगर कमियों को ले जाए
और हौसला बढ़ेगा। यहाँ बैठे बैठे ही ऐसा लग रहा है कि अरे ये यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, उनको टीम के साथ होना चाहिए। गौरव, तो इसको आपसे टिकट कटवा लीजिए सर। बिल्कुल, हालांकि ऑस्ट्रेलिया जा सकते थे हम लोग। अच्छा, लेकिन मेरे पास बजट नहीं था। सुनिएगा झूलन जी, सर दिल खुश कर दिया आपने ये कह के। देखो, हाँ, सुनो, सुनो, अब तो एक ही दिल से आप। हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पहले से ही है। चलो, अब तो दिल से एक ही आवाज निकल रही है। आप लोग ताली बजा के साथ देना, ऐसा लग जैसे ढपली बज रही हो। चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, राहुल की त्योरियां चढ़े, राहुल की त्योरियां चढ़े, राहुल गरजता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे। और ये पिछला इतिहास याद दिलाते हैं पाकिस्तानियों को, कि भूलो ना हमने, हाँ हमने, भूलो ना हमने गुरूर को उतारा था, भज्जी ने अख्तर पे छक्के को मारा, अरे भूलो ना हमने गुरूर को उतारा था, भज्जी ने अख्तर पे छक्के को मारा था, यादों में ये किस्सा रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे। ये लाइन देखिए, 360 एंगल, 360 एंगल से सबको नचाएगा, और सूर्या के शौक से तो खुदा ही बचाएगा, और 360 एंगल से सबको नचाएगा, सूर्या के शौक से तो खुदा ही बचाएगा, स्वीप शॉट जड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे, चौका छक्का पड़ता रहे। और आखिरी सुनिए झूलन जी, कि पांड्या दिवाली के पटाखों की आस है, अच्छा है, पांड्या दिवाली के पटाखों की आस है, कार्तिक सा फिनिशर भारत के पास है, पांड्या दिवाली से पटाखों की आस है, कार्तिक सा फिनिशर भारत के पास है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, चौका छक्का बढ़ता रहे, चौका छक्का बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेलबर्न की पिच पर स्लो बॉलर्स का क्या रोल रहेगा? आई थिंक मेलबर्न पिच में तो बिकॉज बाउंड्री इतनी बड़ी है, दैट स्पिनरों को थोड़ा करेज होना चाहिए, दैट हम बॉल को थोड़ा फ्लाइट देंगे, यू नो, जैसे आईपीएल पिचेस के, यू नो, जस्ट थोड़े बाउंड्रीज छोटे होते हैं, सो कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्पिनरों को, दैट बैट्समैन को हम आउट कर सकते हैं, थोड़ा फ्लाइट दे के, यू नो, ऐसे पिच में डार्ट्स वो डालते हैं ना, वो फिर बड़ी आसानी से स्क्वायर ऑफ द विकेट लेंथ को बड़े ईजिली वो पिक कर पाएंगे। सो यू नो, आई थिंक हमने देखा है अक्षर पटेल को, जैसे वो डरते नहीं है, जो भी मैच का सिचुएशन होता है वो संभाल सकते हैं, एंड बैटिंग भी ऑलराउंड एबिलिटी बड़ी, यू नो, इम्पोर्टेंट होगी, यू नो, अक्षर पटेल की एंड चहल की एज वेल, यू नो, जब बॉलिंग अच्छे लेग स्पिन डालते हैं, एंड जब भी वो फ्लाइट देते हैं ना, बैट्समैन इधर को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मालूम नहीं कैसी शॉट खेलनी चाहिए, छक्का मारना चाहिए और डाउन द विकेट खेलें। सो आई थिंक इंडिया के स्पिनर्स को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, स्पेशली जैसे रिजवान मिडिल ऑफ शॉट है, मॉडर्न क्रिकेट में वैसी शॉट लगनी चाहिए स्पिनर्स को। जल्दी से पाकिस्तान में रहला, आपको एक प्रश्न आ गया। अच्छा, पाकिस्तान जाने से पहले सर मेरी कविता वहाँ पहुँचा दीजिए। सुनिए, चार लाइन सुनिए आप लोग। पहले से उनकी बुरी हाल दिखाई देती है, कुछ बॉलर की पहले से बिगड़ी चाल दिखाई देती है, 10-12 बोले खेल गए अगर तो ये बॉल, शर्मा जी के बेटे को फुटबॉल दिखाई देती है, शर्मा जी के बेटे को फुटबॉल दिखाई देती है। चार लाइन और सुना रहा हूँ आपको कि हमारे इंडियन प्लेयर सर कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं और इंडियन प्लेयर कैसे हैं। गुस्से में नहीं, हम सराफत से मार देंगे। वी आर इंडियन, वी आर इंडियन। गुस्से से नहीं, हम सराफत से मार देंगे, 2-4 चौके नजाकत से मार देंगे, 2-4 चौके नजाकत से मार देंगे, अगर चूकेंगे राहुल टाइमिंग में कहीं तो हार्दिक को छक्के ताकत से मार देंगे, हार्दिक को छक्के
ताकत से मार देंगे और अंत में चार लाइन। ताकत का जवाब नहीं है। एक्चुअल में क्रिकेट क्या है सर, क्रिकेट क्या है भारत में, तो हम लोग पूजा की तरह और एक जुनून बन गया है। मेरी नजर में क्रिकेट क्या है, ये क्रिकेट भी कमबख्त एक लड़की की तरह है। अच्छा, ये क्रिकेट भी कमबख्त एक लड़की की तरह है। लगता है हमसे कब खफा हो गई, जीत जाए तो लगता है इश्क है हम ही से, हार जाए तो लगता है बेवफा हो गई। जी मैं ये कह रही थी किशोर जी कि शाहिन शाह अफरीदी की बॉलिंग पे क्रिकेट टीम पे कितना प्रेशर होगा। शाहिन शाह अफरीदी का प्रेशर कितना होगा, झूलन जी आप इसका जवाब दें कि एक बॉलर कितना, एक बॉलर जो जिसका रिकॉर्ड रहता है और पिछले मैच की याद रहती है, उसका कितना असर पड़ता है। देखिए इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है दैट ही इज़ वर्ल्ड क्लास बॉलर। ही इज़ ए वर्ल्ड क्लास बॉलर एंड अप फ्रंट बहुत अच्छा बॉल डालता है, सामने से स्विंग कराता है। इट्स नॉट ईजी, जो कोई भी लेफ्ट आर्म सीमर अगर सामने से स्विंग कराए तो बैटर्स के लिए दिक्कतें बहुत लेके आते हैं। एंड ही इज़ वर्ल्ड क्लास बॉलर, ही हैव प्रूवन दैट। एंड इन अ डिव वो प्रेशर रहता है, प्रेशर तो रहेगा ही, प्रेशर तो रहेगा। क्रिकेट गेम ऑल अबाउट प्रेशर एंड हाउ यू हैंडल दैट प्रेशर, दैट इज़ अ की। एंड विनिंग एंड लूजिंग के ऊपर वही एक बैरियर रहता है। जब वर्ल्ड क्लास, दो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स जब पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड क्लास स्टेज पे, तो प्रेशर किस कैसे आप हैंडल करते हो इन गिवन डे, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं मैच किसके तरफ जाएंगे। एंड शाहिन शाह अफरीदी वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म सीमर एट दिस मोमेंट। आई थिंक ऑब्वियसली वसीम सर के बाद अगर किसी को इतने इंप्रेसिव लगा आपको, सो ऑब्वियसली शाहिन शाह अफरीदी, क्योंकि अप फ्रंट में जिस तरीके से वो स्विंग करके अंदर लेके आते, बहुत कम लेफ्ट आर्म सीमर है जो सामने से स्विंग करके अंदर लेके आते बॉल को, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है राइटी बैटर्स को, क्योंकि पिक करने लेट हो जाते हैं एंड उसमें LBW या बोल्ड होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो डेफिनेटली माइंड गेम तो है ही शाहिन शाह अफरीदी एंड इंडियन बैटर्स के ऊपर, तो माइंड गेम तो रहेंगे, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस तो आएंगा ही, क्योंकि आपने पास्ट में इन लोगों को आउट किया है, डेफिनेटली वो एक माइंड गेम रहेगा। बट अगेन इट्स अ गिवन, न्यू डे न्यू स्टार्ट होगा, उस दिन आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, अगेन फर्स्ट 6 ओवर्स में आप कैसे उनको प्लान करके जाओगे, कैसे आप काउंटर अटैक, अटैक एंड काउंटर अटैक के ऊपर गेम रहेगा एंड उसके ऊपर डिपेंड करेंगे उस मैच को कौन आगे लेके जाए। आपने बात की अभी शामी को बहुत हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन एक ही ओवर में जब 4 विकेट लगातार ले लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा। तो मैं एक छोटा सा मुखड़ा बनाया बिल्कुल बैठे बैठे अभी सुनना, अच्छा लगेगा आप लोग के, जब डेथ ओवर में बॉलिंग करे जम के करे दम से करे शामी। अच्छा। मेरे शामी मोहम्मद शामी, मेरे स्वामी प्यारे शामी, बच के रहना फिर ना कहना पाकिस्तानी, बच के रहना फिर ना कहना हम तो मरे शामी, मेरे शामी। ये मैं पूरा करके सुनाऊंगा। एक मेरा भी भाई सब झेल लो, और वो इसलिए अच्छा है, अच्छा भारत हमारा, पाकिस्तान के लोग, भारत हमारा ना विविधताओं का देश है, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, और हमारी 11 खिलाड़ी तुम्हें पूरा इंडिया भी घुमा देंगे एक मैच में, और इंडिया के कई जो व्यंजन हैं पकवान वो भी अपने खेल के द्वारा तुम खिला देंगे चखा देंगे। कौन क्या खिलाएगा सुनेगा, कि क्रिकेट के बहाने पाकिस्तानी टीम वाले इंडियन पकवानों का भी स्वाद पाएंगे। मोंटी जी फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग टू ए वंडरफुल पोएट्री, आपकी पोएट्री वंडरफुल है। अरे सर थैंक यू थैंक यू, कृपया इस सेंटेंस को एडिट ना करें। ये और भी ज्यादा वंडरफुल है कि क्रिकेट के बहाने पाकिस्तानी टीम वाले इंडियन पकवानों का भी स्वाद पाएंगे, और यूपी का समोसा सामी और भूवी चखाएंगे, यूपी का समोसा सामी और भूवी चखाएंगे, राहुल के शॉट तुम्हें सांभर पिलाएंगे, राहुल के शॉट तुम्हें सांभर पिलाएंगे, और बड़े छक्के मार, बड़े छक्के मार बड़ा पाव सूर्या खिलाएगा मुंबई, बड़े छक्के मार बड़ा पाव सूर्या खिलाएगा, पांड्या भी ढोकले का स्वाद चखवाएंगे, पांड्या भी ढोकले का स्वाद चखवाएंगे, और आखिरी लाइन मजा आ जाए बिल्कुल बिल्कुल, जहां का शहर वहीं का पकवान,
कि पांड्या भी ढोकले का स्वाद चखवाएंगे और अश्विन की गुगली की इडली का स्वाद लेना, अश्विन की गुगली की इडली का स्वाद लेना, दिल्ली के पराठे किंग कोहली खिलाएंगे, दिल्ली के पराठे किंग कोहली। तो जिस